नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल में। और मैं हूँ आपके साथ श्रुति। रोजाना की तरह हम फिर से आज रहे हैं अपना स्पेशल प्रोग्राम आज का राशिफल लेकर, जहाँ हम आपको बताते हैं कि आज का दिन आपका किस प्रकार से रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बता दें आपको कि राशिफल का मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व होता है, बहुत महत्व होता है राशिफल का हमारे जीवन में। राशि के अनुसार व्यक्ति के स्वभाव और भविष्य से जुड़ी कई जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं। ग्रह गोचर और नक्षत्र की चाल के आधार पर ही राशिफल का निर्माण किया जाता है। ग्रहों की चाल हमेशा बदलती रहती है, इसलिए हमारे दैनिक जीवन में घट रही घटनाएं भी हमेशा समान नहीं होती। आज 2 जून बुधवार का शुभ दिन है और आज गणपति देव की कृपा कुछ राशियों पर विशेषतः रहने वाला है, जिससे इनका भाग्य खुल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बताते हैं क्या कहती है आपकी राशि। चलिए बताते हैं आपका राशिफल। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों से। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है। आज कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका पूरा हो सकता है। किसी वरिष्ठ व्यक्ति का मार्गदर्शन व परामर्श भी आपके लिए वरदान साबित होगा। अपनी योग्यता और काबिलियत का भरपूर उपयोग करें। मेष राशि वालों के लिए बता दें आपको घर परिवार में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। मेष राशि वालों के लिए बता दें आपको कि योगा व मेडिटेशन को अपने दिनचर्या में शामिल करें। जी हाँ, मेष राशि वालों के लिए बता दें कि अपनी सेहत का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने खान पान का ध्यान रखें, उचित खान पान का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो उसका उचित इलाज लें, ध्यान रखें। चलिए बात करते हैं अगली राशि वृष राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है। परिस्थितियां अनुकूल हैं, आपके सभी कार्य सुचारू रूप से पूरे होते जाएंगे। किसी राजनीतिक व्यक्ति की भी सहायता मिलेगी। विद्यार्थियों तथा युवाओं को ऑनलाइन प्रतिस्पर्धा में सफलता मिल सकती है। वृष राशि वालों की बात की तो वहीं बता दें आपको घर परिवार में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। योगा और मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। ज्यादा पहले गुणी भोजन का सेवन न करें। अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने खान पान का ध्यान रखें, उचित खान पान का ध्यान रखें। स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो उचित इलाज लें, ध्यान रखें। चलिए बात करते हैं अगली राशि मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है। यदि कोई पुश्तैनी जमीन जायदाद संबंधी कार्य रुका हुआ है तो आज उसका कोई हल निकल सकता है। आपसी संबंधों में भी मधुरता बढ़ेगी। घर परिवार में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। योगा और मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने व्यक्तिगत कार्यों की वजह से आज बिजनेस पर अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे, परंतु कर्मचारियों तथा स्टाफ के द्वारा स्थिति उत्तम बनी रहेगी। जॉब करने वाले लोगों को अपने कार्य में किसी लापरवाही की वजह से उच्च अधिकारियों की नाराजगी सहन करनी पड़ सकती है। घर परिवार में मधुर वातावरण रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी समस्याएं उठ सकती हैं। सेहत का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने खान पान का ध्यान रखें, उचित खान पान का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उचित इलाज लें। स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी हो तो उचित इलाज लें, ध्यान रखें। चलिए बात करते हैं अगली राशि कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है। आज आपके व्यक्तित्व से संबंधित कुछ सकारात्मक बातें लोगों के सामने आएंगी और आपको प्रशंसा भी मिलेगी। पिछले कुछ समय से चल रही किसी दुविधा और बेचैनी से आज राहत मिलेगी। बिजनेस में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। मेहनत करते रहें, जीत आपकी सुनिश्चित है। कोई रुकी हुई पेमेंट आज हासिल हो सकती है, इसके लिए प्रयासरत रहें। पति पत्नी के संबंध उत्तम रहेंगे। ज्यादा तनाव का असर ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी परेशानियों को बढ़ाएगा। अपनी कार्यशैली, दिनचर्या, बिजनेस इत्यादि पर जरूर ध्यान दें। योगा व मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। ज्यादा तली भुनी भोजन का सेवन ना करें। अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने खान पान का ध्यान रखें, उचित खान पान का ध्यान रखें। स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो उचित। चलिए बात करते हैं अगली राशि सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है। कुछ विशिष्ट लोगों से विचारों का आदान प्रदान होगा। आपके जीवन तथा विचार शैली में भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा। नजदीकी लोगों के साथ हास परिहास तथा मनोरंजन में भी बेहतरीन समय व्यतीत होगा। बिजनेस संबंधी किसी भी कार्य में बहुत ही सोच समझकर फैसले लेने की जरूरत है। इस समय कोई नई जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है। साझेदारी के बिजनेस में गलतफहमियां दूर होंगी और कार्य में गति आएगी। घर परिवार में वातावरण मधुर और सौहार्दपूर्ण बना रहेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। घर परिवार में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। योगा व मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। ज्यादातर घने भोजन का सेवन ना करें। अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उचित खान पान का ध्यान रखें, अपने खान पान का ध्यान रखें। स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो उचित इलाज लें, ध्यान रखें। चलिए बात करते हैं अगली राशि
चलिए बात करते हैं अगली राशि, कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है। कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, आप अपनी योग्यता और मेहनत द्वारा समस्या का हल भी निकाल लेंगे। बिजनेस में आपको अपनी मेहनत के उचित नतीजे हासिल होंगे, लेकिन प्रतिद्वंदियों की गतिविधियों से सावधान रहें। किसी पार्टी को माल उधार देना पड़ सकता है, लेकिन इससे आपको कोई नुकसान नहीं होता है पति पत्नी के बीच आपसी सामंजस्य उत्तम रहेगा। खांसी जुकाम जैसी परेशानी से बचने के लिए आयुर्वेदिक चीजों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। घर परिवार में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। इस समय स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरतना उचित नहीं है। योगा व मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। ज्यादा तली भुनी भोजन का सेवन ना करें। अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें, स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो उचित इलाज लें, ध्यान रखें। चलिए बात करते हैं अगली राशि, तुला राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है। बातचीत के माध्यम से आज कोई मसलों का हल व समाधान मिलेगा। यदि पुश्तैनी जमीन जायदाद संबंधी कोई कार्य रुका हुआ है तो आज उसको हल करने का उचित समय है। बिजनेस में कुछ प्रतिस्पर्धा जैसी स्थिति बनेगी, परंतु चिंता ना करें, आपकी सफलता निश्चित है। बिजनेस बढ़ाने के लिए किसी के साथ साझेदारी करने का प्लान भी उचित है। जॉब करने वाले लोग अपने कार्यों के प्रति और ज्यादा ध्यान दें। सदस्यों के बीच सहयोग और सामंजस्य की भावना रहेगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु ज्यादा टेंशन लेने से आपके स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ सकता है। ब्लड प्रेशर नियमित रूप से चेक करते रहें। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, घर परिवार में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। चलिए बात करते हैं अगली राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है। आप खुद को आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। घर के रखरखाव संबंधी वस्तुओं की ऑनलाइन खरीदारी भी संभव है। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के प्रति पूरी तरह एकाग्रचित रहेंगे। चलिए बात करते हैं अगली राशि, धनुराशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है। कार्य क्षेत्र में कोई भी नया कार्य शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी स्टडी जरूर कर लें। इस समय अतिरिक्त आय का भी कोई साधन बन सकता है। चलिए बात करते हैं अगली राशि, मकर राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है। अपने किसी भावी लक्ष्य को सुनियोजित ढंग से हासिल करने का प्रयास करें। प्रॉपर्टी संबंधी कोई भी डील करते वक्त कागजात वगैरह को अच्छी तरह जांच परख लें। चलिए बात करते हैं अगली राशि, कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है। आपके व्यक्तित्व तथा सरल स्वभाव की वजह से समाज में आपका विशेष स्थान रहेगा, परंतु साझेदारी संबंधी बिजनेस में गतिविधियां बेहतरीन तरीके से चलती रहेंगी। यह समय मार्केटिंग तथा संपर्क सूत्रों को और अधिक विस्तृत करने का है। ऑफिस में सहयोगियों के साथ संबंध मधुर रहेंगे। चलिए बात करते हैं अगली राशि, मीन राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है। व्यस्ततम दिनचर्या में से कुछ समय परिवार तथा मित्रों के लिए भी निकालेंगे, इससे आपसी संबंधों में और अधिक मधुरता आएगी। आज बिजनेस संबंधी कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ना लें तथा वर्तमान गतिविधियों पर ही ध्यान केंद्रित रखें। प्रॉपर्टी अच्छा लाभ होने की संभावना है। बता दें आपको कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट राइन स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।